मेरी बड़ी सिस्टर के लिए जिन्होंने मेरे को बहुत प्यार दिया है, तो मैं उनके लिए कुछ लिखा है कि हमेशा तकलीफों से दूर रखा मुझे, हमेशा तकलीफों से दूर रखा मुझे, कभी रोने ना दिया, पता नहीं था मुझसे इतना प्यार करती हो आप, जो मुझे इस जमाने में खोने ना दिया, और सबने तो मैं मतलब का प्यार कराया मुझे, सबने तो बेमतलब का प्यार कराया मुझे, बस एक आप ही हो जिन्होंने इस जालिम जमाने में मुझे अकेला होने ना दिया। और एक ऐसा है कि जैसे मम्मी तो बहुत प्यार करती हैं, उनका तो सबको पता है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा एक सिस्टर ही होती है जो उनके बाद प्यार करती है सबसे ज़्यादा। आपको जैसे अगर खाना भी नहीं खाया हो ना, मम्मी बोल सकती है लेकिन दीदी नहीं बोल सकती, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो उनके लिए लिखा है मैंने, दूसरी परछाई माँ की बड़ी बहन होती है, दूसरी परछाई माँ के बाद जो होती है बड़ी बहन होती है, वो मांगती नहीं अपने भाई से कुछ, बस उसकी खुशी में खुश रहती है। और ये तो कहने वाली बात है कि शादी के बाद बहन पराई हो जाती है, ये तो कहने वाली बात है कि शादी के बाद बहन पराई हो जाती है, असल में पराई तो हमारी सोच है, वो तो शादी के बाद भी साथ निभाती है। और छोटी सिस्टर्स होती है ना, उनके साथ बड़ा मजा आता है शायद करने में, खेलने में, मतलब उनके साथ जितना लड़ाई झगड़ा हुआ है कभी किसी के साथ नहीं होता है। तो उन्हीं के लिए मैंने कुछ लिखा है कि अब तुम ही तो हो जिनसे अपना सुख दुख बांटता हूँ, अब तुम ही हो जिनसे अपना सुख दुख बांटना है, कभी मस्ती भरी बातें तो कभी बड़े भाई का फर्ज निभाते तुम्हें डांटना है, और मेरे डांटने पर कभी उदास ना होना, ये तो मेरा प्यार है जो मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही बांटना है। कुछ ऐसे ही लिखता हूँ। अच्छा, एक वक्त आता है जब दीदी की शादी हो जाती है, तो उस टाइम की हमारी फीलिंग क्या होती है, जैसे हमारी जिनसे हमने इतना लड़ाई झगड़ा करा, इतना प्यार करा, अब उनकी शादी हो गई, अब वो दूसरे घर जा रही हैं, तो ये मैंने लिखा है उनके लिए कि आप गई जो किसी दूसरे घर, अब मुझे सिखाने वाला कोई नहीं, आप गई जो किसी दूसरे घर, अब मुझे सिखाने वाला कोई नहीं, गलती करने पर मेरी मम्मी से डांट लगाने वाला कोई नहीं। और पहले तो झगड़ा होने पर आप मना लेती थी, पहले तो झगड़ा होने पर आप मना लेती थी, पर अब झगड़ा करने वाला कोई नहीं। और बाकी ऐसा होता है जैसे सिस्टर की भी कुछ सिस्टर्स की फीलिंग लिखी है मैंने, जिनके भाई नहीं है, मतलब वो हर राखी पे सोचती है कि काश मेरा ही भाई होता, ऐसी भी कुछ होती हैं, तो मैंने उनके लिखा है कि दुख इतना है कि कोई दुहाई नहीं देता, ए खुदा क्यों तुझको भी सुनाई नहीं देता, जो यू तरस गई हूँ मैं बहन लव सुनने को, क्यों तू मेरे हाथ में मेरी राखी के लिए वो प्यारी सी गला ही नहीं देता। ज्यादा लिखता नहीं, और ये बस आखिरी है, ज्यादा लिखता नहीं मैं ज्यादा, तो ये है, मेरी दुआ है तू मुस्कुराते रहे हमेशा, ये मेरी सही बहनों के लिए, मेरी दुआ है तू मुस्कुराते रहे हमेशा, मुसीबत में दूंगा तेरा साथ क्योंकि तेरा भाई हूँ सच्चा, और आंखों में आने ना दूंगा मैं तेरे आंसू, आज ये वादा है मेरा, आंखों में आने ना दूंगा मैं आंसू तेरे, आज ये वादा है मेरा, बाकी सलामत रहे तू, ये मेरी पहली और आखिरी दुआ रहे हमेशा। थैंक यू।